बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। ये क्या कर रहे हैं सर? अभी मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ। पर नहीं, लेकिन आज आपके शपथ ग्रहण का दिन है। दिन आ तो गया लेकिन अभी पूरा नहीं। मुझे इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे भूषण जी, क्या तमाशा लगा रखा है आपने? चलो अंदर चलो। मुख्यमंत्री बन गए, अब हमारे अच्छे दिन आ गए। अब ना कोई गरीब रहेगा और ना गरीबी। बस मौसी, आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल हो सकूं। भगवान मुझे कामयाबी दे बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आइए 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 मुख्यमंत्री जी। हम जानते हैं आपका वक्त कितना कीमती है, इसलिए आपका वक्त बर्बाद न करते हुए हमने मंत्रियों की पूरी लिस्ट पहले से तैयार कर ली है। अच्छा, तो लिस्ट आपने पहले ही से तैयार कर रखी है? हाँ, वो क्या है कि जरा जरूरी था। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बैठती है, सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये है कि पटवर्धन लाल जी को सीमेंट का कोटा सेक्शन करना होगा, भोले राम जी को स्टील का कोटा देना होगा और गणेश चतुर्वेदी जी को इंपोर्ट लाइसेंस। ये काम आपको सबसे पहले करने हैं, अर्जेंट। जी सीताराम जी, जरा वो कैबिनेट की लिस्ट दीजिए। क्यों, कैसा लगा हमारा सिलेक्शन? एक मिनट सर, देखता हूँ। मिस्टर विश्वनाथ कौन? अच्छा, ये वही मिस्टर विश्वनाथ है ना जिन्होंने एक बार बच्चों के खाने में मिलावट की थी और करीबन 500 बच्चे मर गए थे। उनको बनाया है फूड मिनिस्टर, खाद्य मंत्री। बहुत अच्छे, हमारी रियासत में आपसे ज्यादा लायक इंसान खाने का इंचार्ज और कौन हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। मिस्टर सरस्वती प्रसाद, हाँ, जिनको भाषा की एबीसी नहीं आती, अंगूठा लगाकर काम चलाते रहे ऐसे होशियार इंसान को एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। हाँ। ये कौन साहब है? मिस्टर कमलेश्वर राव। हाँ, आप जिन्होंने सारी जिंदगी नकली नोट छापने का धंधा किया है, असली नोटों को तो कभी देखा ही नहीं। आप जैसे फरिश्ते को फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और विक्टर जयराज, जिनके पास अनिल राज जैसा गुंडा था और जो खुद न जाने कितने कत्लेआम, कितने खून करवा चुके हैं, ऐसे जमाने के हमदर्द को लॉ मिनिस्टर बनाया गया है, यानी कानून मंत्री की कुर्सी से नवाजा गया है। वाह जनाब बी पति साहब, सारी जिंदगी जो ब्लैक मार्केटिंग करते रहे, गैर कानूनी शराब बनाते रहे, गुंडागर्दी जिनका पेशा रहा, ऐसे भगवान के अवतार को एक्साइज मिनिस्टर बनाया गया है। और सीताराम जी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, अपने मुबारक हाथों से जिसने अपने दामाद का घर बर्बाद करके रख दिया, अपनी बेटी का संसार उजाड़ दिया, वो होम मिनिस्टर। और क्यों नहीं, घर उजाड़ने की जिसे पूरी मालूमात हो, उससे अच्छा गृह मंत्री कौन हो सकता है? और अमरनाथ, जो पुलिस की बाइज्जत नौकरी छोड़कर फर्ज और इंसाफ को भुलाकर सियासत के मैदान में कूद पड़ा, वो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। खुद के घर को तो सुखी रख नहीं सका, राष्ट्र को सुखी बनाने निकला है। वाह शंकर नारायण जी, बहुत अच्छे,
आपके दिमाग की तो वाकई दाद देनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों की सरपरस्ती में यह देश बहुत जल्द उन्नति करेगा। अवनत क्या है कि इन लोगों ने हमारे गरीबों की पार्टी के लिए लाखों रुपया चंदा दिया है। अब इलेक्शन जीतने के बाद हम अगर इनको मौका नहीं देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम इनकी नजरों में गिर जाएंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शंकर नारायण जी, हमें बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। देश भले गिर जाए, राष्ट्र की गर्दन कट जाए, लेकिन हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। और मैं तो ऐसा समझता हूं कि कुर्सी पर बैठने के बाद ये लोग जितनी जल्दी अपना लगाया हुआ माल सूद समेत वसूल कर लेंगे, उतनी ही जल्दी इस देश से गरीबी हट जाएगी, फकीरी बढ़ जाएगी। रोटी तो एक तरफ, गरीबों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलने वाला। ए अमरनाथ बाबू, तुम हम लोग को तारीफ करते हो या गाली देते है? कान खोलकर सुन लो, अगर गाली देता है तो अपन तुम्हारा चलन कर डालेगा। मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ? नहीं मिस्टर भूपति, मैं आप सब लोगों को ये सब करने का मौका नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको और आपके तमाम साथियों को देश के साथ की गई बेशुमार वफादारियों का इनाम दूंगा। और इनाम है ये। ये क्या है? ये वही है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है शंकर नारायण। मगर इसे यहां क्यों लाए हो? अब अपने पिता स्वामी शंकर नारायण को डराने के लिए? तू तो मेरे बेटे जैसे हो ना। चुप, उठे मगरमच्छ, यहां सो का नाटक बहुत पुराना हो चुका है, बंद करो इसे। अमर बेटा मेरी तो सुन, मैं तेरा ससुर हूं। ससुर? आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि सियासत की दुनिया में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, यहां तक इंसान खुद अपना नहीं बल्कि सिर्फ कुर्सी का होता, यही सिखाया था ना आपने? गवर्नर, अगर तुमने से किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे टुकड़ों को सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ा देगा। बजा। हां तो ससुर जी, तुम्हें और शंकर नारायण को तो मैं उसी दिन खत्म कर देना चाहता था जिस दिन तुम दोनों ने मुझे अपने साथ मिलने की धमकी दी थी, 4 घंटे की मोहलत दी थी, याद है? वो 4 घंटे मेरी जिंदगी में 4 सदियों की तरह गुजरे। हाँ शंकर नारायण, मैं तो उसी दिन तुम दोनों को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिर्फ तुम दोनों को मार के इस धरती से जुर्म और पाप खत्म नहीं होगा। अगर खत्म करना ही है तो पाप के उस पूरे पेड़ को जड़ समेत इस जमीन से उखाड़ कर फेंकना होगा। और आज वो जुर्म का पेड़ या टहनियों और पत्तों समेत मेरे सामने मौजूद है, और इस पेड़ की होली मैं आज जला के रहूंगा। नहीं अमर, नहीं प्लीज। अरे अमर भाई, अरे भाई अपने को मंत्री नहीं बनेगा भाई। अरे अपने को कुछ नहीं बनेगा, अपने को कुछ नहीं चाहिए भाई। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए भैया। हाँ मुझे भी नहीं चाहिए। नहीं किसी को कुछ नहीं चाहिए, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब सब हैं। सब तुम्हारे साथ हैं, जो मन में ऐसा करो करो प्लीज। अच्छा, अपनी जिंदगी पर मौत की परछाई पड़ने लगी तो शतरंज की चाल भूल कर मेरी चाल चलने पर तैयार हो गए। अब पता चला जिंदगी कितनी प्यारी होती है। अनिल राज के जरिए तो तुमने लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उस वक्त तुमने कभी यह सोचा कि सियासत की बेदी पर जिन गरीब बेगुनाहों की बलि तुम चढ़ा रहे हो उन्हें भी उनकी जान प्यारी है? उस समय तुम्हें कभी किसी पर रहम आया, किसी से हमदर्दी जताई? अमर ये तो सोचो कि हमें मारकर तुम खुद भी नहीं जी सकोगे, हमें मारकर तुम खुद भी फांसी की तह पर चढ़ जाओगे। शंकर नारायण, मैंने तो कफन की तैयारी उसी दिन कर ली थी जिस दिन मैंने पुलिस की वर्दी उतार कर राजनीति का चूड़ा पहन लिया था। Chuck it up!
लाशों के इस ढेर को देखकर तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो आशा? तुम्हारा पति यहां मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के लिए नहीं आया, बल्कि अपने मां से किए हुए वादे को पूरा करने आया था। इस देश की जड़ों में जो बेईमानी की दीमक लग गई थी उसे साफ करने आया था। आज घर से निकलने से पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरी जिंदगी का वो दिन है जिसका मुझे एक मुद्दत से इंतजार था। यही था मेरा इंतजार। मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आई हो आशा। इस रिवॉल्वर की गोलियां तुम मेरे सीने में उतारना चाहती हो। अपने पति से ज्यादा तुम्हें अपने देश, अपने मुल्क, अपनी समिति से प्यार है। तुम अपना सुहाग मिटा सकती हो, लेकिन अपनी मातृभूमि का सुहाग मिटता हुआ नहीं देख सकती। मुझे तुम पर नाज है आशा, फख्र है मुझे तुम पर। तकदीर वाला हूं मैं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिले। मुझे माफ कर दो अमर, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बदनसीब हूं कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तकदीर वाले तुम नहीं, तकदीर वाले तुम्हें हो। तुम उन लोगों में से हो जिनकी पत्नियां कभी विधवा नहीं बन सकती। रोती दुनिया तक तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, और जब तक तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा तब तक मेरा सुहाग जिंदा रहेगा। सॉरी सर, मैं वक्त की धारा के साथ बहता हुआ इसी जगह पहुंच गया था जहां मुझे कानून को अपने हाथों में लेना पड़ा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये लीजिए, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। प्रताप, एक बंधन है इनकलाब का।
मुझे गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि मैं शंकर नारायण और उसकी तमाम बिरादरी को मौत के घाट उतार कर आ रहा हूं। यह वो जलील खुदगर्ज लोग थे जो अपनी सर्दी दूर करने के लिए आप जैसे गरीबों का घर जला रहे थे, अपना पेट भरने के लिए गरीबों की चिता पर अपना खाना पका रहे थे। मैं उन सबको उनकी चिता तक पहुंचा कर आ गया हूं। आप पूछना चाहेंगे क्यों? आप लोगों ने अपना विश्वास मुझे दिया, मुझे अपना नेता चुना, अपने दुख और तकलीफों की दुनिया से गम और गरीबी का अंधेरा मिटाने की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन मैंने देखा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये लोग मुझे आपके आंसू पोंछने नहीं दे रहे थे, इसलिए आज मैं इन्हें खून के आंसू रुला कर आ रहा हूं। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल करने के बाद हम लोग जिनकी गुलामी में गिरफ्तार हो गए थे, आप मैं हम सब गुलामी की उन जंजीरों को आज मैं काट आया हूं। मेरे लिए तो आज का दिन बड़ा शुभ है क्योंकि जो विश्वास जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी थी वो मैं पूरी कर सका। मेरे लिए मेरी जिंदगी पूरी हो गई, जीवन का एक अर्थ मिल गया। बस एक बात और कहना चाहूंगा कि यह मेरा विश्वास है कि जब जब इस देश में शंकर नारायण जैसे राक्षस अपना सर उठाएंगे तब तब उन्हें नष्ट करने के लिए एक अमरनाथ जरूर पैदा होगा। बोलिए इंकलाब, इंकलाब।